जदयू प्रवक्ता अरविंद निषाद ने कहा कि जल जीवन हरियाली का विरोध राजद जानबूझकर करवा रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षक संघ को भड़काकर वह सरकार का विरोध करवा रही है, लेकिन हाईकोर्ट में भी शिक्षक संघ की हार तय है। आइए जरा सुनते हैं कि अरविंद निषाद ने और क्या क्या कहा। जो जन जीवन हरियाली है 19 तारीख को इस तरह से अब कुछ ही दिन बचे हुए तो माध्यमिक शिक्षण संगठन है नियोजित टीचरों को वो लोग इसका बहिष्कार कर रहे हैं और हाईकोर्ट में भी यहाँ नियोजित शिक्षक और आरजेडी भी इसका विरोध कर रही है। क्या लगता है कि आरजेडी जानबूझकर अब नियोजित शिक्षकों को भड़का रही है क्या? बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल जायज है। राष्ट्रीय जनता दल नियोजित शिक्षकों के साथ साथ आम लोगों को भी भड़काने का काम कर रही है, क्योंकि यह मानव श्रृंखला का कार्यक्रम न तो किसी पार्टी के लिए है, न किसी खास समूह के लिए है। मानव श्रृंखला का यह कार्यक्रम बिहार के लिए है और बिहार के आम जनमानस के लिए है। मानव श्रृंखला पर्यावरण संतुलन के लिए है और जो संगठन पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर किया है, ऐसे लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि इसके पहले भी शराब बंदी को लेकर के, बाल विवाह बंदी को लेकर के, दहेज प्रथा को बंदी को लेकर के राज्य सरकार ने जो मानव श्रृंखला का निर्माण किया था, मानव श्रृंखला बनाया था, उस दरमियान भी शिक्षक संगठनों ने और अन्य लोगों ने माननीय पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर करके विरोध करने का काम किया था। उस समय भी माननीय पटना उच्च न्यायालय ने याचिका को निरस्त करते हुए राज्य सरकार को हरी झंडी दी थी मानव श्रृंखला बनाने के लिए। इस बार भी इन लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी और सफलतापूर्वक 19 जनवरी को राज्य सरकार मानव श्रृंखला बनाने का काम करेगी, जिसमें सभी उम्र के सभी वर्ग के लोग शामिल होंगे। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।